ये मैं कह रही हूँ सर कि दो मई को जो दंगा हुआ ना, उस दंगा की गवाह हूँ मैं। दो मई के दंगे की गवाह हूँ मैं, क्योंकि 2 तारीख को जो दंगा हुआ ना, जालौर गेट से लगा के यहाँ तक सब बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ले गए और उनको छुड़ाने का काम किसी ने नहीं किया इस कांग्रेस वालों ने, और सिर्फ हमारे अतुल बंसाली खड़े रहते थे और वो उनको छुड़ाने के लिए। और दूसरे दिन मैं सब महिलाओं को लेके पुलिस कमिश्नर के पास गई कि नहीं, हिंदुओं को तो छोड़ नहीं रहे और मुसलमान को आधी रात अदालत खुला कर लेके जा रहे, ये बहुत गलत बात है। क्यों सरकार के लिए सब एक समान है, सब जनता तो दो आंख से क्यों देख रहे हैं वो? उनको सोचना चाहिए कि नहीं, ये दंगा हुआ है तो इस दंगा को निपटाने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर है, लेकिन नहीं, उन्होंने मुसलमानों को तवज्जो दिया। तो आपके कहने का मतलब है जो कार्रवाई की गई वो केवल हिंदुओं पे कार्रवाई की? हाँ, बस पकड़ के ले गए हिंदुओं को, जेल में डाला तो हिंदुओं को, तो हिंदुओं ने ऐसा क्या किया? ये गलत है ना, घर के बाहर बैठा था उसको भी पकड़ के ले गए और 3 दिन से रिहा किया उसको, उसकी क्या गलती थी? घर के बाहर बैठा था वो तो, और मुस्लिम के लड़कों को ऐसे ही रिहा कर रहे हैं, जो मार कूट के आए, पीट के आए, उसको फालतू के रिहा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उनको, आधी रात को छोड़ रहे हैं, और सब मिले हुए हैं, पुलिस वगैरह सब मिले हुए हैं। ये वोट बैंक है कांग्रेस की, इसलिए वो मुसलमानों के बच्चों को छोड़ के ले जा रहे हैं। 2 मई की रात को जो हमने यहाँ पे मिनी पाकिस्तान का नजारा देखा, मैडम थी कहाँ पे मेरा सबसे बड़ा, और महिला की सुरक्षा के लेके पहले कोई टाइम था सर, मैं आपको बता दूँ रात को 2 बजे आप आइए, महिलाएं को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज आप चैन पहन के निकल तो सबसे पहले घूंघट डालो, अब बार बेर कोई खींच ली चैन ये, और जालौरी गेट के अंदर इतनी महिलाओं की चैन स्नैचिंग तो इतनी आम समस्या है कि आप पूछिए मत। महिलाएं नहीं तो पूरा सोना लद के आप आराम से आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है सबसे पहली बात। मनीषा पवार जी तो खुद महिला है, आप कह रहे कि महिला सुरक्षित नहीं है, आपके भी चाहते नहीं बात, मैडम की गलती कहाँ है? मैडम की तो चाबी है ऊपर से आती है, और मैडम खाली बातें बनाती है, कुछ नहीं। आप सड़के चलाइए, मैं गाड़ियाँ सिखाती हूँ लेडीज को, एक ढंग की सड़क नहीं है जहाँ पे आप चल के जा सके। आप क्या बात करते विकास की बात? हाँ, मनीषा मैडम के घर पे विकास जबरदस्त हुआ, ये तो पक्का मान के चलिए आप। तो महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है, महिला किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है? कह रही फोन फ्री बांटे जा रहे हैं, महिलाएं खुश है, 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया, महिलाएं खुश है। कोई सिलेंडर 500 रुपये? अरे सर मैं आपको बता दूं आपको बात कि ये जो अभी जो आप सोशल मीडिया पे देखते इतने सारे इंटरव्यूज आ रहे थे, और वो एक जो फ्रेंड्स का एक आया था रात को पेपर देने के लिए, वो रात को ठहरा था, मतलब लोगों की इन हौसला कितना बढ़ा दिया है कि रेप यूँ हो रहे हैं, रेप की जो कैपिटल हमारा राजस्थान नंबर 1 पे जा रहा है, ये हो क्या रहा है? ये तो जोधपुर इतना शांति और अमन का शहर था और इतना इसको इतना हमको भया बना दिया है, हम भय के में। गहलोत जी कहते हैं राजस्थान को तो बदनाम किया जाता है, मध्य प्रदेश उससे भी नंबर 1 है, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं बोला जाता। इतने सालों में ये सब नहीं हुआ था सर, ये जो रिसेंटली जोधपुर में ये दंगे हो रहे हैं ये पब्लिक देख रही है, और सच मानिए कि मोदी की सरकार ने जो काम किया है ना वो कांग्रेस की अंतरात्मा जानती है, पर चूंकि वो इतने साल से कांग्रेस के साथ है बट वो अंतरात्मा जानती है कि ये मोदी राइट है। आप देखिए उस बंदे ने इन सबके भाई भतीजावाद लगा, इनके सबके भाई अच्छे अच्छे घरों में बंगलों में बैठे, वो मोदी की बहन चाय बना रही है, मोदी के भाई आज भी उन्हीं घरों में जिनमें वो थे, मोदी अपना घर नहीं भरा, आज देश को आगे बढ़ा रहा है मोदी का। राहुल गांधी जी तो कहते हैं इन्होंने देश बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया अडानी अंबानी। गांधी पप्पू है ये पूरा देश जानता है सर, और जिसको राहुल गांधी में भविष्य नजर आता है फिर तो उसका भगवान ही मालिक है, फिर उसको कोई कुछ नहीं बता सकता। आपको नहीं लगता राहुल गांधी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, अरे सर मैं क्या कर रही हूँ, पूरा देश जानता है राहुल गांधी, वो बहन भाई दोनों पप्पू है। अच्छा, और क्या? तो फिर उनका तो जिनको राहुल गांधी में भविष्य नहीं जा रहा। आज सर अपना देश कहाँ पहुँच गया आप खुद देखिए, हम नासा पहुँच गए हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या विकास नहीं हो रहा, ये सर बताने की बात ही नहीं, सोशल मीडिया इस बात का बहुत। कांग्रेस की तो देने 60 साल से तो कांग्रेस ने राज किया, तो जो कुछ किया है उनका वो है, मोदी जी आए आके फीता काट गए मोदी जी तो। ये तो सर देखिए आरोप तो लगाएंगे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये मैं कह रही हूँ सर कि दो मई को जो दंगा हुआ ना, उस दंगा की गवाह हूँ मैं, दो मई के दंगे की गवाह हूँ मैं, क्योंकि 2 तारीख को जो दंगा हुआ ना, जालौर गेट से लगा के यहाँ तक सब बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ले गए और उनको छुड़ाने का काम किसी ने नहीं किया इस कांग्रेस वालों ने, और सिर्फ हमारे अतुल बंसाली खड़े रहते थे और वो उनको छुड़ाने के लिए। और दूसरे दिन मैं सब महिलाओं को लेके पुलिस कमिश्नर के पास गई कि नहीं, हिंदुओं को तो छोड़ नहीं रहे और मुसलमान को आधी रात अदालत खुला कर लेके जा रहे, ये बहुत गलत बात है। क्यों सरकार के लिए सब
एक समान है सब जनता, तो दो दो, दो आंख से क्यों देख रहे हैं वो? उनको सोचना चाहिए कि नहीं, ये दंगा हुआ है तो इस दंगा को निपटाने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर है, लेकिन नहीं, उन्होंने मुसलमानों को तवज्जो दिया। तो आपके कहने का मतलब है जो कार्रवाई की गई वो केवल हिंदुओं पे कार्रवाई की? हाँ, बस पकड़ के ले गए हिंदुओं को, जेल में डाला तो हिंदुओं को, तो हिंदुओं ने ऐसा क्या किया? ये गलत है ना, घर के बाहर बैठा था उसको भी पकड़ के ले गए और 3 दिन से रिहा किया उसको, उसकी क्या गलती थी? घर के बाहर बैठा था वो तो, और मुस्लिम के लड़कों को ऐसे ही रिहा कर रहे हैं, जो मार कूट के आए पीट के आए उसको फालतू के रिहा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उनको आधी रात को छोड़ रहे हैं, और सब मिले हुए पुलिस वगैरह सब मिले हुए हैं। ये तो वोट बैंक है कांग्रेस की, इसलिए वो मुसलमानों के बच्चों को छोड़ के ले जा रहे हैं। आंटी जी मुझे एक बात बताइए, आप इतना खुल के बोल रही है, हम एक महीने से यहाँ घूम रहे हैं, कोई खुल के नहीं बोलता, डर के बोलते, आप इतना, आपको डर नहीं लग रहा गहलोत जी से? क्यों गहलोत जी, क्या हमारे घर क्या धान की बोरियां पहुँचाते हैं क्या? सीएम है तो सबके, कोई हम मेरे अकेले के थोड़ी है, अब जनता का पैसा जाता है जब सीएम की सरकार बनती है, ऐसे को नहीं बनती है, और सरकार जो भी काम कर रही है ना जनता को पैसे से होती है, कोई वो नेता लोग अपने घरों से पैसे नहीं लाते। हाँ तो मैं क्यों डरूं, हमारा टैक्स जाता है। क्या लग रहा है इस बार गहलोत जी की छुट्टी दिखाई दे रही है? छुट्टी होगी, छुट्टी हो जाएगी, 100% छुट्टी होगी। हाँ गहलोत सरकार नहीं बनेगा, अब जनता फुल हाँ जोड़ रही है कि नहीं, अब बहुत हो गया। क्या लग रहा है, छुट्टी हो गई है? बिल्कुल छुट्टी भी होगी, पर्ची भी बन गई है, और पप्पू जी है अशोक जी को ले जाएंगे आप, गार्डन होगा। कांग्रेस वाले भी तो हिंदू है, राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, अशोक गहलोत के साथ है ना, ये पप्पू के साथ है, इसलिए जब रामलला का उद्घाटन हुआ था मंदिर का, तो ये सब काले कपड़े पहन के सदन में आए थे, इनको शर्म आने चाहिए कि राम जी तो सबके हैं, ये तो भगवान है, उनके पीछे तो अपना सांस भी नहीं ले सकते, तो ये कैसे सोच सकते हैं? तो हमारे मोदी ऐसे नहीं है। कांग्रेस वाले कहते हैं मंदिर बनाने से फायदा क्या हुआ? अरे मंदिरों का पैसे से तो उनकी मस्जिदें चलती है, जब मंदिरों के इतने पैसे आते हैं ना, ये मोदी जी इनका निपटारा करेंगे कि क्या होना है? ये भी तो कह रहे हैं कि मोदी को नहीं आने देंगे, क्यों नहीं आने देंगे? मोदी सब सही न्याय करता है, सही न्याय करता है, वो नहीं तो खाता है और नहीं खिलाने देता है किसी को, इसलिए हम भी मोदी के रास्ते पे ही चलते हैं, नहीं खाएं और नहीं खिलाने दें। सही है, खरे है वो एकदम, खरे उतरे एकदम मोदी भैया, खरे उतरे एकदम। कैसे खरे उतरे हैं? किसी को ना खाना ना खिलाना, जनता की सोचते बहन बेटियों की सोचते है, बहन बेटी को सोचते है, सब बाहर निकलने वाले सबको सोचते है वो सब। सर अगर वो जादूगर है, अगर वो जादूगर है तो उनकी बेटी क्यों हारे, उनकी बेटी क्यों हारे? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में 5.5 साल से मैं देख रहा हूँ, 5 साल के अंदर कोई राज कुछ नहीं हुआ है विकास, सिर्फ चुनाव आने से पहले और कोविड के समय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहाँ थे उनसे ये पूछेगा, और जब चुनाव जब आते हैं तो लगातार शिलान्यास करने लग गए, और ये लोगों को मोबाइल बांटना उनसे पूछेगा, बेटी सुरक्षित नहीं है, कहीं युवक सुरक्षित नहीं है, और कहीं भी बेटी जाती है। अब ये चुनाव के समय में मोबाइल क्यों याद आया, और पेपर लीक को लेकर काफ़ी आपने देखे कई घोटाले हुए, तो उनको भी सोचना चाहिए कि मोबाइल नहीं बांटना चाहिए किसी महिलाओं को या किसी बेटी को, कुछ घर बना के देना चाहिए था और कुछ व्हीकल देना चाहिए था कि जिससे वो कहीं जा सके, गर्भवती महिला कई रोड पर नहीं निकल सकती, इतनी सड़कें खराब है शहर के अंदर, देखिएगा कहीं भी देखिएगा इतना माहौल खराब है। 14 साल हो गया बीमार, क्या करिया क्या करिया, चिरंजीवी काम है? चिरंजीवी चिरंजीवी नहीं है, ये तो आयुष्मान भारत ही चल रहा था, तो क्या देख लो मरिया में कोई जिंदा में किने मनी फोन दिया कि नहीं नहीं दिया, कई करियो अब बार करोना तो कई लाना दिया सरकार, कई लान दिया। कोरोना के अंदर सिर्फ मोदी जी के ही भक्त घूम रहे थे, एक भी अशोक गहलोत का भक्त नहीं था, और ये जो मोदी सरकार की जो भी भक्त और ये बीजेपी वाले है ना कार्यकर्ता, यही आपको पाँव पाँव पे नजर आते, लेकिन ये फालतू के अशोक गहलोत कर रहा है ना, मैं ही हूँ तो 4.5 साल कहाँ गया, 4.5 साल में आपको जनता नजर नहीं आई? अब जनता को बेवकूफ बना करने के लिए अब 6 महीने में आप सब बेच रहे हो, तो फिर बाद में बोल दे वो खजाना खाली है। बात होती है कानून व्यवस्था की, तो महिलाएं कितना सुरक्षित है? अगर बात करें क्या रात में चलते समय कभी अनसेफ महसूस होता है कि रात में नहीं निकल सकती यहाँ पे महिलाएं? बिल्कुल नहीं निकल सकती महिलाएं, जब भी निकलो कभी उनके बैग छीन लिए जाते हैं, कभी उनके चैन तोड़ ली जाती है, कोई गहना पहन के नहीं जा सकती है, जब हमारी टाइम थी उस टाइम तो गहने से लद के जाते थे हम, लेकिन अब तो एक चैन पहनने का भी सुख नहीं है, कभी चैन पहन के भी अपन बाहर निकल सके, ये क्या है? प्रशासन का बिल्कुल रवैया खराब है, जो कोई ध्यान नहीं देता है, ये अशोक गहलोत की सरकार है, अशोक गहलोत को तो खुद अपना
अपना बच्चा ना है कि भाई हमारी कुर्सी, पहले तो अपनी कुर्सी के लिए लड़ता रहा कि भाई सीएम कैसे रहूंगा कैसे रहूंगा, फिर बाद में अब है तो अब चुनाव के लिए दौड़ रहा है कि नहीं हम चुनाव में हमें हमारी सरकार वापस लानी है। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाली है सरकार। कह रहे कुर्सी मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी नहीं छोड़ती मुझे। अरे कुर्सी अच्छे अच्छे को छोड़ देती है, जब जनता को सुखी नहीं रखोगे तो कुर्सी कौन पकड़े, आपको पकड़ेगी, वो जनता फैसला करती है। अशोक गहलोत जी के फैसले से नहीं होगा ये सब कुछ, जनता फैसला करेगी तब ये कुर्सी काम आएगी। राहुल जी आएंगे कुछ दिनों में चुनाव के लिए, क्या लग रहा है कितना जादू चलेगा राहुल जी का यहाँ पे? क्या चलेगा राहुल जी का, राहुल जी को मालूम है कि राजस्थान कैसा है, ये तो इटली का है। इनको पूछो कि आप इटली में जाओ या क्या कर रहे हो, या राजस्थान में रहो फिर मालूम पड़े आपको कि भाई गर्मी कितनी है, गर्मी कितनी है। आप तो गाड़ियों में फिर रहे हो, ऑडियो ऑडियो में गाड़ी में क्या फिर रहे हो? आजकल धान की खेती कर रहे हैं, कुली का काम उन्होंने कर लिया, लकड़ी का काम उन्होंने कर लिया, ये सब दिखा हुआ है। एक्चुअल में करे ना तब ऊपर से लगा के एडी तक पसीना आता है, वो पसीना है ना तब मालूम पड़ती है। और मोदी घर ये ट्रेन के अंदर चाय बेची है, गरीबों का दुख जानता है। वो कहते हैं मोदी ने चाय बेची, अब देश बेच दिया। सवाल ही नहीं है, देश बेचते हैं ये कांग्रेस वाले, मोदी ये बीजेपी वाले देश नहीं बेचते हैं। बीजेपी वाले तो देश को ऊंचा ले गए और विश्व में नाम कर दिया मोदी जी ने कि भाई भारत देश भी कुछ देश है। पहले भारत को कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन अब भारत को सैल्यूट करते हैं कि ये भारत है। क्या कहेंगे वो, कहते चाय बेचते बेचते देश बेच दिया इन्होंने। देखिए मैं भी एक चाय वालों का बेटा हूँ, मुझे पता है कि कैसे चाय बेचते हैं और कैसे देश बेचते हैं। अब देश बेचने वाले जब भी एक साल होता है, दो साल चुनाव आते हैं, इटली भागते हैं। आपने खुद ने देखा है, मम्मी और पप्पू दोनों इटली भागते हैं, फिर वापस हेड कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, आप खुद देखिए। और अडानी अम्बानी केवल इन लोगों का फायदा हुआ, गरीब जनता का फायदा क्या हुआ? वो तो अब अशोक गहलोत ने अडानी को भी यहाँ दिया है ना काम, राजस्थान में काम दिया है, वो क्या कर रहे हैं फिर? अगर अडानी मोदी के लिए कर रहा है तो अशोक गहलोत क्या कर रहा है, आप बताइए। अच्छा, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, देश का नाम जरूर हो रहा है, विश्व में देश की पहचान बन रही है, भारत तीसरा नंबर वन पे आने वाला है आने वाले समय में। ये अशोक जी के जनता इस बार चुनाव अशोक जी के 5 साल के कुशासन पर वोट देने जा रही है। अच्छा, जो राजस्थान दंगों के बारे में जानता भी नहीं था, 1947 में भी जिस राजस्थान में दंगे नहीं हुए थे उसको अशोक जी ने 5 सालों में इतने दंगों से भर दिया है कि राजस्थान की जनता इतनी परेशान है इनसे। वो दंगे तो कहते हैं कि बीजेपी ने एक नफरत का माहौल देश में पैदा कर दिया, जब से आए 9.5 साल से तभी से ये भाईचारा खराब हुआ, नहीं भाईचारा में आपने कश्मीर जैसे हालात बना दिए। फिर जोधपुर के जो यहाँ पे हमारे स्वतंत्र सेनानी थे बाल मुकुंद मिश्रा जी, उनकी फोटो को काली टेप से ढक दिया, ऐसे माहौल फिर ये जोधपुर की जनता कैसे सहन करेगी? जोधपुर के लोग उस दिन बाहर निकले और अपन के अपने स्वतंत्र सेनानी को एक बार फिर आजाद कराया उस दिन।